हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज चॉइस ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का टॉपिक स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर नंबर्स हैं वो हमने लास्ट वीडियो में किया है। लास्ट वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में स्क्वायर्स टॉपिक की वीडियो का लिंक मेंशन है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो और स्क्वायर नंबर की स्टडी कर सकते हो। तो चलो अब करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है? जस्ट लाइक अ सब्ट्रैक्शन इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन, जैसे जो सब्ट्रैक्शन होती है वो एडिशन के ऑपोजिट होती है, सेम वैसे ही स्क्वायर रूट इज ऑपोजिट ऑफ स्क्वायरिंग। जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायरिंग के ऑपोजिट है। तो अब हमने नंबर ले लिया है 3। स्क्वायर ऑफ अ नंबर निकालेंगे, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ अ 9 क्या होता है? 3 होता है। वी राइट अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। जब स्क्वायरिंग की तो 9 आ गया। स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायरिंग के ऑपोजिट होता है। तो वैसे हमने देख लिया कि 9 का जब स्क्वायर रूट कर देंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का जब 3 का स्क्वायर किया था तो 9 आ गया था। जब अब 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। ठीक है, ये देखो हमने 3 लिया, 3 को स्क्वायरिंग की तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। हमने एरो इधर को डाल के ऊपर स्क्वायरिंग लिख दिया, इसका मतलब अब हमने 3 की स्क्वायरिंग करनी है। 3 स्क्वायर किया इक्वल टू 9 आ गया। अब हमने 9 लिखा इधर, 9 लिखने के बाद जो हमने एरो डाला वो इधर को डाला, तो हमने इसका मतलब है 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये अंडर रूट जो 9 है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या है, हमने 3 की स्क्वायरिंग की तो 9 आ गया, तो 9 का स्क्वायर रूट किया तो 3 आ गया। ऑपोजिट हो गया ना, जब इधर को गए तो वो स्क्वायरिंग होगी, अब ऑपोजिट डायरेक्शन को आए तो स्क्वायर रूट हो गया। इससे हमें पता चल गया ये जो साइकिल है ये ऑपोजिट है। स्क्वायर इज ऑपोजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। यहां से हमें पता चल गया स्क्वायरिंग इज ऑपोजिट टू स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट इज ऑपोजिट टू स्क्वायरिंग। ओके, नेक्स्ट है सिंबल्स ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के सिंबल्स क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ 9, अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ अ 9 लिखना है इन सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 9। और कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 9, यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, 2 डाल दिया तो रूट में 2 डाला तो वो स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ गया। इट इज कॉल्ड द रूट 9, या तो रूट 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट मतलब 2 लगा देते हैं तो स्क्वायर रूट बोल देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9 और रूट 9 सेम थिंग है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट की एग्जाम्पल्स। ठीक है, स्क्वायर रूट की एग्जाम्पल्स क्या है? हमने बोला स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायरिंग के ऑपोजिट है। स्क्वायरिंग हमने पहले की हुई है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ जाएगा। ओके, अब हम इधर साइड क्या कर रहे हैं? स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। हमने इस नंबर का स्क्वायर किया था, इस नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर रूट किया तो वो क्या आ गया? 1। और हमने इधर 2 की स्क्वायरिंग करके 4 लाए थे, हम 4 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 की स्क्वायरिंग की तो 9 आया था, 9 का अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 4 का स्क्वायरिंग करके 16 आया था, 16 का जब स्क्वायर रूट कर देंगे वो 4 आ जाएगा। सेम एज इट इज, 5 की स्क्वायरिंग करके 25 आया था, 25 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। इधर स्क्वायरिंग हो रही है, इधर स्क्वायर रूट हो रहा है। ऐसे हमने जब 6 का स्क्वायर किया था 36 आ गया, 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 की स्क्वायरिंग करके 49 आया था, 49 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो 7 आ जाएगा। 8 की स्क्वायरिंग की थी तो 64 आया था, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही आगे आगे करते जाएंगे, वो स्क्वायरिंग जो है वो स्क्वायर रूट के ऑपोजिट आती जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इज जीरो अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या जो जीरो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? ठीक है, वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर्स आर नंबर लाइक। जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं? 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर किया 24 हो जाएगा। तो जो 4 एंड 25 स्क्वायरिंग के बाद आ रहे हैं वो क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन ऑल्सो राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। जब 0 की स्क्वायरिंग करेंगे तो वो 0 ही रह जाएगा, कोई और नंबर नहीं बनेगा। मतलब 0 का स्क्वायर करने के बाद स्क्वायरिंग में नंबर आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके,
स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो जीरो ही आएगा, जैसे वन का स्क्वायर रूट करो तो वन आता है, ऐसे जीरो का स्क्वायर रूट करेंगे तो जीरो आएगा, वन की स्क्वायरिंग करेंगे वन आ जाएगा, वन का स्क्वायर रूट करेंगे तो वन आएगा, सेम ऐसे जीरो की स्क्वायरिंग करेंगे जीरो आएगा और जीरो का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो भी जीरो आएगा। विच इज एन इंटीजर, वो इंटीजर है क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो, तो ये जीरो जो है वो इंटीजर है, दैट्स वाई जीरो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें पता चल गया जो जीरो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज के साथ हमें पता चलेगा अभी स्क्वायर रूट कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये स्क्वायर रूट है। ओके, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ अ नंबर एंड्स विद वन इट्स स्क्वायर रूट विल एंड्स विद वन और नाइन। अगर हमारा जो नंबर है वो वन पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो उस वो जहाँ तो वन पे एंड होगा या नाइन पे, उसका जो एंडिंग नंबर है जहाँ तो वन होगा या नाइन होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा ये प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई हो रही है। वन का स्क्वायर किया इक्वल टू वन आ गया, वन का अंडर रूट किया वो वन आ गया, ऐसे नाइन का स्क्वायरिंग करेंगे तो 81 आ रहा है, 81 का जब अंडर रूट लिया हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो 9 आ गया। इससे हमें पता चला स्क्वायर रूट करने के बाद जो एंड में 1 और 9 चाहिए था वो आ रहा है। और हमारी क्या कंडीशन थी, जो हम नंबर ले रहे हैं उसका एंड 1 पे होना चाहिए, एंडिंग नंबर 1 है तो उसका जो स्क्वायर रूट आया वो भी 1 आ रहा है, इसमें भी एंडिंग नंबर 1 है तो स्क्वायर रूट करने के बाद 9 आ रहा है, जहां तो 1 आना चाहिए जहां तो 9। इससे पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर रूट है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हमें क्लियर है कि ये स्क्वायर रूट है। ओके, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ अ नंबर एंड्स विद 6 इट्स स्क्वायर रूट विल एंड्स विद 4 और 6। सेकंड प्रॉपर्टी में बता रहे हैं अगर हमारा जो नंबर है वो 6 पे एंड हो रहा है तो जो उसका स्क्वायर रूट करने के बाद नंबर आएगा वो किस पे एंड होगा, जहां तो 4 जहां तो 6। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के लिए हम एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एग्जाम्पल ली 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो अंडर रूट 16 इक्वल टू 4 आ गया, जो नंबर का एंडिंग था वो 6 पे एंड में 6 है। ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट करने के बाद आ रहा है 4 और 6 में से कुछ चाहिए था वो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड एग्जांपल में भी यही है, 6 का स्क्वायर लिया इक्वल टू 36 आ गया, 36 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 6 आ रहा है, इसके एंड में 6 है, हमने बोला था नंबर के एंड में 6 ही चाहिए, नंबर के एंड में अगर 6 है तो वो स्क्वायरिंग करने के बाद 4 और 6 आना चाहिए था वो 6 आ गया, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, हमारी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है इफ नंबर हैज इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इट्स स्क्वायर रूट विल हैव हाफ ऑफ इट्स। अगर जो नंबर है इवन नंबर ऑफ जीरोस के साथ एंड हो रहा है तो जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो उसके हाफ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एक्सप्लेन करने के लिए, हमने 10 का स्क्वायर लिया वो 100 आ गया और 200 का स्क्वायर लिया वो 40,000 आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, जब हम 10 का स्क्वायर रूट करेंगे तो उसमें 2 जीरोज हैं, तो जब हम स्क्वायर रूट करने के बाद हमारा आंसर आएगा, नंबर में 2 जीरोज थे तो आंसर में 1 आ रही है, 2 का हाफ 1 होता है, तो हमें पता चल गया आफ्टर स्क्वायरिंग जो हमारे पास स्क्वायर रूट करने के बाद आंसर आ रहा है उसमें हाफ ऑफ द जीरोज रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल भी सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 40,000 का स्क्वायर रूट किया है, इसमें 4 जीरोज लगी हुई है, जब हमने स्क्वायर रूट करने के बाद आंसर निकाला तो वो 200 आया, इसमें 4 जीरोज थी इसमें 2 रहेगी, 4 का हाफ 2 होता है, आफ्टर स्क्वायरिंग जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हाफ हो जाती है। क्लियर हो गया, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ इफ अ नंबर एंड्स विद 5 इट्स स्क्वायर रूट विल ऑलवेज एंड विद 5। अगर हमारा नंबर 5 पे एंड हो रहा है इसका मतलब जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो भी 5 पे ही एंड होगा, ये जरूरी है। ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, हमने 5 का स्क्वायर किया इक्वल टू 25 आ गया, अब 25 का स्क्वायर रूट किया तो वो 5 आ गया, इसका एंडिंग नंबर भी 5 था इसका भी 5 है, ऐसे ही हमने 15 का स्क्वायरिंग की तो 225 आ गया, 225 का जब हमने स्क्वायर रूट किया तो वो किसके इक्वल आया, 15 के, हमने जो नंबर लिया था उसका एंड वाला नंबर जो है वो भी 5 है। ठीक है,
ऐसे ही जो हमने स्क्वायर रूट करने के बाद नंबर निकाला वो भी 5 है, तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ अ नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 and 8 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर 2, 3, 7 और 8 पे एंड हो रहा है इसका मतलब वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ये 2, 4, 2, 2, 3, 7, 3, 9, 1, 8, 27 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, सो देयर स्क्वायर रूट विल बी इन डेसिमल्स। इनका स्क्वायर रूट जब भी हम निकालेंगे इन नंबर्स का, जिन नंबर्स के एंड में 2, 3, 7 और 8 होगा उनका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हमेशा डेसिमल्स में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, इसलिए। नेक्स्ट हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इफ अ नंबर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर ऑफ जीरोस जो उसमें एंड में है वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, कोई भी नंबर ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे एंड हो रहा है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखने लगे हैं, 24,000, 10, 25 लाख डू नॉट हैव अ स्क्वायर रूट। इन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होगा, सो देयर स्क्वायर रूट विल बी इन डेसिमल्स। इनका जब भी स्क्वायर रूट आएगा वो डेसिमल्स में आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। नेक्स्ट हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी है, स्क्वायर रूट ऑफ अ इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर रूट ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑड। जो स्क्वायर रूट इवन नंबर का होगा वो इवन में आएगा, जो स्क्वायर रूट ऑड नंबर का होगा वो ऑड में आएगा। हम एग्जांपल ले रहे हैं, ऑड नंबर वाली पहले ले रहे हैं, अंडर रूट 1 किया तो 1 आ गया, स्क्वायर रूट 9 किया तो 3 आ गया, 81 का स्क्वायर रूट किया तो 9 आ गया। ये सारे ऑड नंबर थे तो इनका स्क्वायर रूट भी ऑड में आ रहा है। ऐसे हम इवन नंबर ले रहे हैं, इवन नंबर में हमने 4 का स्क्वायर रूट किया तो 2 आ गया, 16 का स्क्वायर रूट किया तो 4 आ गया, 100 का स्क्वायर रूट किया तो 10 आ गया। ये सारे इवन नंबर्स थे तो इनका स्क्वायर रूट भी इवन में आ गया, तो हमें पता चल गया स्क्वायर रूट ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारी एट्थ प्रॉपर्टी है, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर -9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। अब हम सभी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज को समराइज करने लगे हैं। टू समराइज, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट हैव दीज प्रॉपर्टीज। यूनिट डिजिट से हमें कैसे प्रॉपर्टीज पता चल रही है? इस साइड हम लिख रहे हैं वंस डिजिट ऑफ अ नंबर, इस साइड वंस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर। जो इस साइड नंबर के वंस प्लेस पे जो डिजिट है और इस साइड जो स्क्वायर रूट जो है उसके वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके बारे में लिख रहे हैं। अगर नंबर के वंस प्लेस पे होगा 1 तो स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पे होगा 1 और 9। अगर हमारे पास जो नंबर है उसकी वंस प्लेस पे 6 है तो जो स्क्वायर रूट करके आंसर आएगा उसके वंस प्लेस में जा तो 4 होगा जा 6 होगा। ऐसे अगर हमारे वंस प्लेस जो हमने नंबर लिया है उसकी वंस प्लेस पे 5 है तो स्क्वायर रूट करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसकी वंस प्लेस पे भी 5 ही होगा। और अगर हमारे पास गिवन नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो आफ्टर स्क्वायर रूट हाफ ऑफ इट्स रह जाएंगी। मतलब अगर हमारे पास इवन नंबर की जीरोज हैं, ठीक है, नंबर में, तो स्क्वायर रूट करने के बाद जितनी नंबर की जीरोज हैं, जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हाफ रह जाएंगी, जीरोज हाफ रहेंगी, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड। अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो इवन आएगा, अगर ऑड नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो ऑड आएगा, ठीक है। अ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट एंड्स विद 2, 3, 7, 8 और इफ इट एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज। नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब नहीं होगा जब जहां तो वो एंड हो रहा है उसके एंडिंग नंबर कौन से हैं, 2, 3, 7 और 8, इनमें से कोई नंबर है एंड में तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जहां जो उसमें ऑड नंबर जो जीरोज लगी है वो ऑड नंबर की है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो जहां उसके एंड में 2, 3, 7, 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। इसके साथ हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट खत्म होती है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल वाइज चॉइस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।